हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं काजा में हूँ। रात में वीडियो नहीं बना पाया यार, क्योंकि भाई थकान हो गई थी, सो गया मैं रात में। और अभी मैंने होटल से चेकआउट किया है। ये हमारा होटल था, होटल विंटर वाइट, और काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था यार। 1300 रुपये में मिल गया हमें रूम, और बहुत ही साफ़ सुथरा रूम, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। मतलब बाथरूम में भी सारे साबुन वाबुन सब रखे हुए, प्रॉपर टॉवल वगैरह रखा हुआ। 1300 रुपये में मिल गया, नाइट स्टे किया। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग काजा की मार्केट एक्सप्लोर करने, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो में बने रहना, स्टे ट्यून्ड। गाइस, ये हमने जो होटल लिया हुआ था ना, ये न्यू काजा में था। अब हम लोग जा रहे हैं ओल्ड काजा की तरफ, जहाँ पे मार्केट है। गाइस, काजा देखने में बहुत छोटा लगता है वाकई में बहुत बड़ा। और अभी तो हम पहले दिन एक ही दिन रुके हैं, तो हमने कितना ही देखा होगा। और वैसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। चलते मार्केट में, पहले हिमालयन कैफे पे गाड़ी लगा देते हैं यार। गाइस, ये एंटर तो हो गए हम मार्केट में, और यहाँ का सीन यही है कि गाड़ियाँ आई जा रही हैं, और जाम में जाम लगे जा रहा हूँ। तो भाई, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं द हिमालयन कैफ़े। बहुत ही फेमस कैफ़े है यहाँ का। और कल रात को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, हमने थुक्का यहाँ का ट्राई किया था, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर हमेशा रश रहता है। अभी तो फ़िलहाल खाली है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है ख़त्म, हम लोग आए हैं लेट। वैसे चाय आ गई, सैंडविच आ गया। आप देखो, 3 लेयर में काफ़ी अच्छा लग रहा है सैंडविच देखने से। हमने पहले एक ही मंगवाया है, अच्छा लगेगा तो वापस दोबारा मंगवा लेंगे। गुड है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया, बढ़िया एकदम। बहुत ही टेस्टी सैंडविच था, और चाय भी बहुत अच्छी थी। द हिमालयन कैफ़े काजा, आना, विज़िट करना, बैठना, खाना। चलते हैं आगे, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, काफ़ी हद तक ना कसौल जैसी मार्केट है, जैसे कसौल में है ना हिप्पी मार्केट, उस तरीके का सामान मिलता है। ये देखो, जैसे पजामे हैं, पोंचो हैं, यहाँ पर लग रही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। नमस्ते आंटी, आपके पास ऐसा कुछ है जो सिर्फ काजा में ही मिलता है? ये मिरर वाला, ये वो है ना फ्लास्क, पानी ठंडा रहेगा, 350 का। अच्छा गाइस, एक ये टी मिली है, ये बेरी की बनाई जाती है, आंटी ने बताया। तो यहाँ से ही बेरीज जाती हैं, और वहाँ पर बनाया जाता है सोलार में। काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और ये मिली भी काजा में ही, और नीचे तो कहीं मिलती नहीं है, तो ये लेके जाते हैं। इसका प्राइस है 200 रुपये, और ट्राई करेंगे। मैक्सिमम सेम जैसी हैं दुकानें ना, स्पीति आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देखते हैं भाई चल के, मेडिटेटिंग बोल, स्नो लेपर्ड की फ़ोटो, ये ओरिजिनल है वो लांजा। ये क्या है सब? ये कोरल टर्कोइज जी। अच्छा, गाइस 2 पोंचो ले लिए यहाँ से, और रेट बहुत अच्छा। आपने कितना बताया? 400 रुपये। मैंने कसौल से लिया था, मुझे 500 रुपये का पड़ा, यहाँ पर 400 रुपये का पड़ा। तो रेट रीजनेबल है, बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से कपड़ा भी बहुत अच्छा है। हॉटस्पॉट देना यार, ये हॉटस्पॉट के लिए परेशान है। कैसे, कितने पैसे लगा दिए स्टॉक मार्केट? अरे स्टॉक नहीं यार, पेमेंट करने। करोड़ों का खेल खेलता है, इसीलिए काजा घूम रहा है, इसने करोड़ों रुपये कमा लिए। अभी इसने हमारे ये वसंत कुंज में घर बनवाया भैया, दिल्ली में एक घर बनवाया। ये भी 400 का भैया, देखो 400 करोड़ की संपत्ति का आदमी 400 रुपए की चीजें पूछ रहा है। कोई बात नहीं भाई, पैसा रख के ले जाएगा ना तू ऊपर। अरे ऊपर कौन ले जा रहा है। गाइस, एक शॉप के अंदर मैं आया था, और यहाँ पर ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने भैया से पूछा कि ये कहाँ से आ रही है, धूप है क्या है? तो इन्होंने ना मुझे ये चीज दिखाई है, किन्नौर में। कहाँ? किन्नौर में मिलती है। आप कहाँ से लाए हैं? तो ताबो से लाया। ताबो से लिया भाई, ये देखिए इसकी खुशबू सूंघो। है क्या चीज़ है भाई ये? इन्होंने जो जिसकी खुशबू आ रही दुकान में, गाइस इतनी अच्छी प्लेजेंट खुशबू आ रही है। कोशिश करूंगा अगर टाबो में मुझे ये मिल जाए तो। फिर बहुत प्यारी खुशबू। इसको जलाते कैसे हैं? बस जैसे। अच्छा, इसको लेके उसमें डाल, ऊपर डाल देना। बहुत अच्छी खुशबू। कितने, किस रेट पे मिलता है ये? 600 की 700 रुपए के जी लिया था मैंने। अच्छा, इसको कहते क्या है? चुप्पा 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 है। और टाबो में देखेंगे, अगर मिलता है तो लेके जाएंगे भाई। गाइस, काजा का ना सीजन अभी ऑफ हुआ है, वरना तो यहाँ पर ना इतना रश रहता है कि चलने की भी जगह नहीं रहती है। यहाँ पर फुल रहता है एकदम पैक। बाकी मार्केट हमने देखी है, कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मार्केट है, अशोक नगर जैसी दिल्ली। नहीं यार, बाकी पहाड़ों के बीच में है, और वाइब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। बाकी हम लोग काजा से तो जा ही रहे ना, निकल रहे हैं टाबो और नाको जाके देखते हैं। टाबो से वो भी लेना भाई खुशबू वाला। गाइस, ये अब हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं, काजा को कर रहे हैं बाय बाय, और अब हम निकल रहे हैं टाबो की तरफ। गाइस, जस्ट ये रॉयल इनफील्ड के शोरूम के बाहर से काजा खत्म है। ये आप देख लो, बुलेट का शोरूम, ये रहा रॉयल इनफील्ड, और ये रहा काजा। थैंक्स फॉर विजिट, विजिट अगेन। ओके बाय।
चीचा आ गया, छोटा चीचा। टापों का जो रास्ता है ना वो तो एकदम गोली वाला, मतलब गाड़ी भाग रही है जैसा कि आपने देखा ही वीडियो में, गाड़ी एकदम फुल स्पीड पे भाग रही है। तो हम लोग रुक गए हैं, रिवर पे अभी तक नहीं गए हैं, तो रिवर पे जाके बैठेंगे थोड़ी देर और चिल करेंगे, क्योंकि रिवर पे बैठे नहीं ना तो मन नहीं लगता, फिर मज़ा नहीं आता। वो फील नहीं आती कि भाग रहे हैं। हाँ, वो फील नहीं आ पाती रिवर पे अगर ना जाए तो। अरे एंटी फेलियर साले। अबे आ जा मोटे। गाइस इस रिवर में आ जाता पागल नाला, यहाँ तक पानी सब भर जाता है सब, और इस पे बैठना बहुत अनसेफ भी होता है। और पागल नाले में जा रहे हैं, पागल नाले के पास ही जा रहे हैं हम लोग, खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा पागल नाला। क्या कर रहा है? अरे मत पता। फेंक भाई, तू फेंकने में उस्ताद है ना? ओह सही में उस्ताद है भाई। चल वो नदी पार करा दे, उधर वाली बड़ी वाली। अच्छा वैसे फेंक के? हाँ और क्या, ये लो। हाँ कर, बड़े वाली पार करानी। हाँ पार। ओए नहीं हुआ। नहीं हुआ, जस्ट रह गया। नदी में बैठ लिया, रिलैक्स कर लिया, अब जा रहे हैं ना कुट्टा पट्टा बो। पथरीले पहाड़ है भाई, डर लगता है देखो, है ना। चलो चलते हैं, कोई नहीं। ये आ गया टाबो ब्रिज, सिंस 2008 लिखा हुआ था शायद इस पे, 2008 से बना हुआ है। बस हम टाबो पहुंचने वाले हैं 5-7 मिनट में। गाइस टाबो पहुंच गए, वो सामने एक मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है, तो वहां जाके देखते हैं कौन सी मॉनेस्ट्री है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। चले तो गाइस लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां पर टाबो मॉनेस्ट्री है और उसी के साथ दुकानें भी हैं, तो चलते हैं टाबो मॉनेस्ट्री देख के आते हैं। भाई बहुत तगड़ा दिख रहा है ये टाबो, बहुत अच्छा है भाई, देखना गाइस। गाइस ये हम एंटर कर रहे हैं यहां से मॉनेस्ट्री में, आप ये देख सकते हो, ये रिकोंगपियो शिमला का रास्ता यहां से है, और ये रही मॉनेस्ट्री। हाँ टाबो मॉनेस्ट्री। गाइस यहाँ पर हमारा हार्दिक स्वागत हो चुका है। यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह लगी मुझे, काजा से भी ज़्यादा अच्छी, पता है टाबो। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल खाली शांत, भाई ये है स्टे करने की जगह भाई। एंडी तुझे सच बताऊँ तो बहुत प्यारी जगह है भाई ये, बिल्कुल खाली। देख होटल होम स्टेज भी बने, कंजूम होम स्टे। देखते हैं गाइस, एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मॉनेस्ट्री तो पूरी खाली पड़ी हुई है। गाइस इस साइड है न्यू मॉनेस्ट्री और इस साइड है ओल्ड मॉनेस्ट्री, तो अब ये हम ओल्ड मॉनेस्ट्री के अंदर एंटर करने वाले हैं। देखो ये है ओल्ड मॉनेस्ट्री, अब चलते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अंदर से देखते हैं इसमें क्या क्या। अभी मॉनेस्ट्री के अंदर होके आए हैं, बहुत ही सुंदर है, अंदर से खूबसूरत है, जैसे की मॉनेस्ट्री थी थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का है। 1028 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है ये ओल्ड वाली, उसको बने हुए 1-2 साल हुए हैं, इसको 1028 साल हो गया। और अब पीछे की साइड जा रहे हैं हम, देख रहे हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन ले लिए थे। हाँ फोन अलाउड नहीं है, वैसे भी हम मैं अंदर वीडियो नहीं बनाता है ना। बाकी ये आप देखो 1028 साल में यहाँ क्या क्या बदला होगा। देखना गाइस पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा हुआ है,
हर पत्थर पे आपको कुछ कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ये देखो, इन पत्थरों पे देखो कुछ कुछ कार्विंग है, सब पे बना हुआ है। ये देखो, गाइस यहाँ पे चाय हो रही है। कल हमने हर्बल टी पी थी की मॉन्स्ट्री में, यहाँ पर मिल्क टी है। टेस्टी गाइस। अरे चाय पी ली, चाय बहुत टेस्टी थी। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा थैंक यू आंटी, बाय बाय। मॉनेस्ट्री के अंदर बैठे बहुत सुकून मिला, चाय वगैरह पी और रिलैक्स किया, बहुत मन शांत हो जाता है यहाँ पर आके। और बाकी अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं ना, एक वो खरीदते हैं जो खुशबू वाला आइटम था। गाइज ये शुपा हमें मिल चुका है टाबो में, है ना। मैं लकी रहा जो मुझे मिल गया, यहाँ पे नज़र पड़ गई, दिख गया। और ये 100 रुपीज़ का पैकेट है, कितना 100 ग्राम 200 ग्राम का होगा। तो ये मैं 2-3 पैकेट तो यहाँ से लेके जाऊँगा कम से कम। गाइज ये ड्राइड एप्पल है, ये 250 का है। गाइज मोमोज ऑर्डर किए थे, अपनी शॉपिंग कर ली है, वो हमें मिल गया था यहाँ से जो हमें चाहिए था। और बाकी ड्राइड एप्पल लिए हैं और मोमोज ऑर्डर कर लिए, मोमोज खा लेते फटाफट। गैस खा पी के निकल गए, अपना बढ़िया हो गया। चाउमीन बहुत टेस्टी थी, वेज नूडल्स बहुत अच्छे थे और मोमोज अच्छे नहीं थे बेकार थे वो मोमोज, नूडल्स बहुत अच्छे थे। अब जा रहे हैं ऐसे, अब निकलते हैं नाको की तरफ। स्टे ट्यून्ड।